IMNS CM पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र, कहा किसी भी सूरत में ना हो कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में हुई 2 करोड़ की डकैती का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पीएम मोदी कल करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। प्रियंका गांधी ने भरी यूपी चुनाव की हुंकार, पार्टी बैठक में सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। अखिलेश के बाद अब मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर उठाए सवाल, कहा चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है हर बार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। अल्मोड़ा मुख्यालय से लगे हवालबाग ब्लॉक के कनेली बिसरा ग्राम सभा में सड़क और पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में रोट नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करते हुए ग्रामीणों ने नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने अगर चुनाव से पहले सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया तो सभी ग्रामीण विधानसभा चुनाव 2022 का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। किलोमीटर दूर हमारा अल्मोड़ा मुख्यालय है और उसके साथ साथ 8 किलोमीटर दूर में हलवा विकासखंड है और लगातार समस्या रोड और पानी के हमारे क्षेत्र झेल लगा है। विगत 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड और राज्य अलग हुए और हमारे गांव में विकास के नाम पर जू का चू कुछ भी नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं सरकार से और प्रशासन से अपनी आवाज़ को और सर जनता की आवाज़ को सबके सामने रखना चाहूँगा कि यहाँ पर। चंपावत में कल से हो रही रुक रुक के बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से लोगों को यात्रा करने में दिक्कतें आ रही हैं। बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा आने का खतरा बढ़ता जा रहा है और सड़कों में पानी भर गया है। पहाड़ों पर इस मौसम में हमेशा खतरा बना रहता है, कभी तेज हवाओं से पेड़ों के गिरने का तो कभी सड़क धंसने का। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदियों नालों में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ये बारिश जानलेवा साबित हो रही है। ग्वालदम से थराली की तरफ जा रहा एक बुलेट सवार नाले के तेज बहाव में बह गया। मौके पर लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया लेकिन युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं थानाध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पवार ने बताया कि यहाँ बहुत गहरी खाई है जिसकी वजह से युवक को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बाइक सवार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर राज्य प्रधान संघ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानों ने धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए विकासखंड कार्यालय पर ताला जोड़ दिया। प्रधान संगठन का कहना है कि पिछले 6 दिनों से प्रधान संघ अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के साथ ही सेवाकाल समाप्त होने के बाद 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाए। प्रदेश की शहर सरकार ने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी है और इसी में तो हम आज पूरे प्रदेश में सभी जिला सीडीओ कार्यालय में यहाँ पर धरना प्रदर्शन, तालाबंदी चल रही है। बहुत सारी जो डिमांड्स हम लोगों की थी 12 बिंदुओं को लेकर के हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसमें सीएससी सेंटर जो सरकार ने कुछ लोग बढ़ा दिए न्याय पंचायत स्तर पर 2500 रुपये उनको हमारे मत से काटा जा रहा है। हम क्योंकि वो पैसा हमारे मत से ना काटा जाए और जो पंचायतों के 29 जो अधिकार हैं उस अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पंचायतें। हरिद्वार महाकुंभ 2021 मेले में कोविड टेस्टिंग के फर्जीवाड़े को लेकर जांच चल रही है जिसमें कई तथ्य सामने आने के बाद जांच का समय और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए डीएमसी रविशंकर ने एक कमेटी का गठन किया था जिसकी कमान मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गरवार को सौंपी गई। पहले मामले की जाँच रिपोर्ट को 15 दिनों के अंदर शासन को सौंपनी थी लेकिन अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। फर्जीवाड़े में जिले की 2 लैब और सर्विस प्रदाता कंपनी शक के घेरे में जिसकी जाँच की जा रही है। बिल्कुल, जिसमें जो जांच का जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है
एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। बट इसमें जो है जो वॉल्यूम है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केसेस था, जो एक एक करके जो वेरिफिकेशन करने वाला जो प्रक्रिया है, केवल उसमें जो है टाइम लग रहा है, क्योंकि वो जो है अगर हम एक दिन में जो है अगर कंट्रोल रूम में लगभग 2000 से 2500 कॉल्स जो है अगर कर पा रहे हैं, वो भी जो है एक हमारा जो सीमा है। हरिद्वार स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार जनता शिकायत कर रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किए गए कार्यों में अनियमितताएं देखने को मिल रही, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एस के गर्ग का कहना है कि जो परेशानियां हैं उन्हें साइट पर जाकर देखा जाएगा। जहां तक पानी की निकासी का सवाल है, वो काम नगर निगम का है, जिसके लिए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ के लोगों की आज शिकायत ना हो। जनता जो है यहाँ विवेक विहार हो, भाई आए हुए हैं, इनसे तो गाली गलौज से बात करी माननीय दीपक कुमार जी ने हमारे, है ना, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। मतलब जनता से इतना इनको घमंड हो गया, और घमंड जो है इनका जो है वो जो सरताज है गुंडों का, मदन कौशिक विधायक जो यहाँ के हैं, विधायक जी हमारे, उनकी वजह से इनके इतने हौसले बढ़ गए, जनता को गालियाँ दे रहे हैं। और सड़कों पे कहीं भी ढलान नहीं है, जगह जगह पानी भर रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना के लाया हूँ और आप वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। और ना इन्होंने नालियाँ बनाई, नालियों का पैसा खा गए, ना रोड की किनारियाँ बनाई, और सड़कों में अभी से ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो ये भ्रष्ट अधिकारी और ये जितने AEJEE हैं और सारे जो हैं जितने ठेकेदार हैं, ये सब मदन कौशिक के रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने पूरा कुंभ का माल हजम कर लिया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इनरव्हील क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने के लिए जागरूक किया गया। क्लब के सदस्यों ने निर्णय लिया कि अपने अपने क्षेत्रों में वो महिलाओं को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे लगातार बढ़ रही जनसंख्या को काबू में किया जा सके। कार्यक्रम में महिलाओं ने केंद्र सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग की। क्लब के अध्यक्ष चारू मथुर कोठारी ने बताया कि जिस प्रकार जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे देश में मूलभूत सुविधाएं घट रही हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष में कहना चाहूँगी कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है कि हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो, तभी हमारा देश जो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि परिवार नियोजन के बारे में महिलाएं जो अवगत ही नहीं है, या हमारे समाज में इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ चल रही हैं कि वो लोग अपनाना ही नहीं चाहते। और एक ये है कि बेटा बेटी का जो वो है, उसको अंतर ख़त्म होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, तभी नहीं तो हमारे देश में शिक्षा की कमी, पानी की कमी, ज़मीन पर रहने की कमी, सब चीज़ों की कमी होती जाएगी और एक विश्व हमारा विनाश की तरफ। ऋषिकेश कोतवाली की कई सालों पुरानी इमारत जर्जर अवस्था में है, लेकिन पुलिस विभाग के आलाधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। कोतवाली की ये जर्जर इमारत कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है और पुलिसकर्मी इसके शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ऋषिकेश के एक विद्यालय की जर्जर हालत में खड़ी दीवार ने एक मासूम की जान ले ली थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ऐसी घटनाओं के बाद सबक लेने को तैयार नहीं है। बच्चे खेलते रहते हैं, सड़क हर वक्त चलती रहती है, रोड पर हर वक्त ट्रैफिक भी रहता है, आदमी भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पहले यहाँ आवास थे, पुलिस स्टाफ का रहते थे लोग बाग, लेकिन मेरी जानकारी में जो है थोड़ा बहुत तो जो पता लगा लोग बाग जो अब अवैध रूप से रह रहे हैं पुलिस वाले भी, और वैसे तो कोई रह नहीं रहा मुझे लगता है, क्योंकि सभी बिल्डिंग अंदर से भी सब खोखली है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। यहाँ खड़े हुए लोग एक दिन ऊपर से सीमेंट गिर गया था, बच गए लोग बड़ी मुश्किल से। आप काफी पुराने हैं? बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बस रुड़की में इमली रोड पर स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गया। CO BS चौहान ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों को बुलाया गया। काफ़ी मेहनत के बाद आग को काबू करने में सफलता मिली। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग बुझाने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
ये दरअसल यहाँ कबाड़ का काम करता है, मकान ऊपर बच्चे रह रहे हैं, नीचे कबाड़ का काम हो रहा है, उसमें चूंकि एल्युमिनियम वगैरह की चीज़ें थी उसमें सुबह जो है क्या गए आग लगने की सूचना मिली है, फायर ब्रिगेड मौके पर आ गए और उससे जो है आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। इस समय किसी की जो जान माल का। उत्तराखंड जल संस्थान श्रमिक संघ के आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कानून गो के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संजय कुमार ने कहा कि जल संस्थान में आउटसोर्स कर्मी पिछले 25 वर्षों से ठेकेदारी प्रथा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मियों को संविदा पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश का अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है। और दूसरा जो है ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, और कई विगत 24 वर्षों से हम लोग इस विभाग में कार्यरत हैं, और क्या कहते हैं हमारे कितने बार हमने पत्राचार अधिकारियों को शासन को सबको दिया है, इन लोगों ने हमारी कोई भी सुनवाई मतलब जो है नहीं सुनी, और क्या कहते हैं ठेकेदारी प्रथा पे हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार पहले एक ठेकेदार होता था, अब जो है विभागों में अनेक जितने डिवीजन हैं उतने डिवीजन में अलग अलग ठेकेदार को बनाया गया है, और उन लोगों द्वारा हमारा कोरोना महामारी को देखते हुए कैनाल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर के कपाट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। मान्यता है कि देव पूर्णिमा स्थल यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, इसी के चलते 14 दिन के लिए एकांतवास अथवा क्वारंटीन हो गए हैं। होम क्वारंटीन का पालन करने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक विशेष सेवक ही मंदिर के अंदर जाकर भगवान को जड़ी बूटियों के काढ़े का भोग लगाएंगे, जिससे भगवान जल्दी स्वस्थ होकर लोगों को दर्शन दें। क्वारंटीन की यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। प्राचीन शिव मंदिर कैनाल रोड में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन क्वारंटाइन रहते हैं, और यात्रा से एक दिन पहले शाम को 7 बजे उनके द्वार खोले गए, उनकी पूजा अर्चना खोली गई, नेत्रों पे से जो औषधि लगाई गई थी उनको हटाया गया, उनकी आरती करी गई। आज भव्य रूप से कोविड नियमों का पालन करते हुए जगन्नाथ जी की यात्रा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वो कोर्ट इंस्टीट्यूट को शुभकामना देती हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा और उनके काम भी आएगा। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ये कांवड़ यात्रा खोली जाएगी या नहीं, इस पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मेरे से भी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें, इसके लिए इन्होंने ये खोला है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जो हमारा कॉलेज आज 22 वर्षों से है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मन में उद्देश्य था उसके दो मुख्य कारण थे। एक, आज के बदलते परिवेश में जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं, उसका ये डेफिनेट हो पाना कि ये टेक्नोलॉजी कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन वो सार्थक होगी, ये बहुत मुश्किल है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कोर्स को मॉड्यूलेट करना, जिससे वो डे वन से एम्प्लॉयबल हो जाएं, वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हम कोर्सेज को उसके अनुसार मॉड्यूलेट कर सकें, और जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में हैं उनके साथ में हमने संबंध किया,
उनके साथ में आज हमारी 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ में हमारे कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स हैं, वो अमेरिका में भी हैं, फ्रांस में भी हैं और अफ्रीका में भी हैं। वो क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक अल्टीमेट वो हो गया जहाँ से जिनको टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और अमेरिका जो सबसे ज़्यादा एडवांस है, उसमें भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को हमने चूज़ किया जो हमसे संबंध करके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम वो हमारे साथ कर पाएंगे और हमारे प्रोग्राम्स को वो उसी तरह से मॉडर्नाइज करते रहेंगे। अल्मोड़ा के रानीधारा रिहायशी इलाके में विगत कई दिनों से इलाके के लोग तेंदुए के आतंक से दहशत में थे। बता दें कि इस इलाके में तेंदुओं को पिछले कई महीनों में लोगों ने देखा था। इस क्षेत्र में जंगलात विभाग की कॉलोनी भी है। 3 दिन पहले जंगलात विभाग के ही प्रांगण में तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बना डाला, जिसके बाद विभाग ने वहाँ पिंजरा लगा दिया, जिससे इलाके के लोगों ने थोड़ा चैन की सांस ली। लोगों का कहना है कि ये तेंदुआ जोड़े में अपने बच्चों के साथ अक्सर दिख जाते थे। में जो है गाय 3 दिन पहले मार दी गई थी और दूसरा इसमें पिंजरे को लगाया गया था, जिसमें कि वो 3 दिन बाद कल रात 2 बजे पकड़ा गया कि यहाँ से ले गए बाघ को, और उसने बाघ ने बहुत आतंक मचाया हुआ था अल्मोड़ा के अंदर रानीधारा, तो पकड़ा गया। बल्कि वो जोड़ा भी है, जोड़े में है अगर वो हो। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार इसे 1 सप्ताह बढ़ा सकती है। वहीं सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की SOP जारी की जाएगी। पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ने से सरकार जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों के पर्यटक स्थलों पर सीमित संख्या करने के निर्णय लेने का अधिकार दे सकती है। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पर पूर्व की भांति रोक बरकरार रह सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।